जय श्री राम। काफी सुंदर गांव है भाई ये। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और फिलहाल ये देखो लाइनअप चेक करो, आज हम जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कहीं जा रहे हैं ना, सरप्राइज है भाई। तो भाई बंदे का प्लान था मॉर्निंग सनराइज देखने का, साढ़े पाँच और अभी हम अभी एक मिनट टाइम देखो भाई, हो चुका है साढ़े छः से भी ज़्यादा। तो भाई खुद ही मामा ने लेट करा है, हम तो भाई रेडी हो चुके थे यहाँ पे, काफ़ी टाइम लगाया इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, जहाँ पे भी हमें सनराइज़ दिखेगा हम आपको दिखाते हैं। बढ़िया सा प्यारा सा व्यू, बाकी फिर से इनका इंतज़ार है भाई, ये आ ही नहीं रहे तब से भाई। अब रश नू पीरो, पैसे दे दो, पैसे पैसे दे दो, पैसे 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 वो प्रीतू दे दो ना, 100 रुपये में क्या होगा। ओ भाई राशि भाई ग्लव्स देखो। तो भाई अब होगी फुल राइडिंग, अब होगी फुल राइडिंग। हाँ लोग कॉपी कह रहे हैं, हाफ ग्लव्स के लिए फुल ग्लव्स में कॉपी कह रहे हैं, बताओ बताओ। छपड़ी कलर ब्रो, उसके लिए थे। तो हमारा पीछे गोल्फ यार्ड है, पीछे बहुत बड़ा था। कहाँ गई है? फिलहाल भाई इसने बहुत ज्यादा लेट करी है, ठीक है। जय श्री राम। तो वो जल्दी पहुँच चुके हैं, ठीक है। हाँ दारू लेने गए थे क्या? दारू लेने गया था। हाँ लग भी रहा है चांदी जैसा। चलो घर चलो, पहुँच गए, देख लिया सनराइज, देख लिया तो फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे लांगर रोड पे। और यहाँ से भी अभी हमें जाना है कम से कम 50 किलोमीटर और जाना है। तो बाकी भाई की हालत ख़राब हो चुकी है पीछे बैठे बैठे इस भाई, और ये भी थक चुकी है। हमारे साथी राइडर कुछ बोलना चाहेंगे, क्या बोल रहे हो? कहाँ जा रहा है ये सुबह सुबह उठ के? अरे जाते सही जूस है। तो पहुंच चुके हम यहाँ पे, और अभी हम जाने वाले एक प्यारी सी लोकेशन में, जैसे मैंने सुबह बताया था। और ये देखो यार व्यू चेक करो भाई, कितना प्यारा सा व्यू है। ये नहीं व्यू चेक करो आप, ये तो फ्रेम ख़राब कर दिया इन्होंने। उड़ जाओ आप, ऑफेंड हो गए भाई। वो ये देखो भाई, ये देखो भाई खाई, देखो खाई, देखो नीचे देखो भाई, कूद जा भाई कूद जा। तो अब एक साल में जो कूद जा भाई लो। तो जिस लोकेशन में हम जा रहे हैं भाई, अब यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर बचा है, और काफी लंबा सफर था भाई है? रास्ते एकदम पतले पतला रास्ता था। तो बाकी इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, कैसा लगा भाई? कौन सी लड़की आपने लग गई? हाँ कैसा लगा भाई? कुछ बोल रहा भाई, क्या बोल रहे? तो ये लड़की याद कर रही है, उससे कैसे कुछ कह रहा है? नहीं कौन सी लड़की याद कर रही है भाई तुझे?
हाथ तो आएगी सेटिंग। चुप चुप हो जा सातवीं फेल। देखिए अगर तू ये डालेगा तो मैं शेयर नहीं करूंगा भाई, मत कर। तो बस 10 किलोमीटर और उसके बाद दिखाते हैं हम आपको एक प्यारी सी लोकेशन और प्यारा सा जगह और प्यारे से लोग, और हम प्यारे से लोग एक प्यारी सी लोकेशन में जाएंगे। तो यहाँ ये फोटो वोटो खिंचवाएंगे, फिर चलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? सीधा मिलता है आपको उसी प्यारी सी लोकेशन में। तो बाय। तो दोस्तों ये है रूट मैप वो प्यारी सी लोकेशन का, जिसके लिए अभी हम देहरादून से स्टार्ट कर रहे हैं। और बता दूं कि ये वाली लोकेशन है ना, इस जगह का नाम है महासुदेवता बिसोई, और ये है मात्र 83 किलोमीटर दूर देहरादून से, जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। ये कुछ इसका एरियल व्यू है, बाकी बातें अब व्लॉग में करते हैं। सो फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे वही प्यारी सी लोकेशन में, और रिवील कर दे इस जगह का नाम, बताओ ना। अभी बस प्यारी सी लोकेशन बोला है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गांव के बीच से, अलग से रास्ता भी जाता है डायरेक्ट मंदिर के लिए। तो हम हैं यहाँ पे महासुदेवता बिसोई में, और महादेव की बुलावा हर बार पहुँच जाते हैं हम। और ये रास्ता जा रहा है गांव के बीच से, ये पहुँच चुके हैं यहाँ पे, यहाँ से ऊपर। यहाँ से ऊपर है? हाँ भाई। और यहाँ पे मामा ने रास्ता गलत बता दिया, मैं कह रहे कि मैंने व्लॉग में देखा था, जबकि मैंने व्लॉग डाला ही नहीं अभी तक। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल कोई नहीं, तुम लोग को गाइड हो जाएगा। और हम देखते तो है, डिमांड है, बता दो भाई। देखते तो है लेकिन बोलते हैं यार क्यों नहीं आ रहा बंदा ये वीडियो। ये कट हो जाएगा। ये तो कट कर दूंगा। देखो भाई ऐसी सेम घर हमारे वैली में भी है, नीति वैली, और वो है मंदिर। बस अब थोड़ा ही रह रखे, इसके अलग से रास्ता भी है जो डायरेक्ट मंदिर के वहाँ पे खुलता है, लेकिन हम स्टिल गांव के पीछे जा रहे हैं। काफी सुंदर गांव है भाई ये, लोग भी सुंदर है भाई। ये है भाई, ये है भाई। तो पहुंच चुके हम महासु देवता बिसोई में, और देखो यार कितना प्यारा मंदिर है भाई। यही है भाई हमारी प्यारी सी लोकेशन जहाँ हम आ रहे थे भाई। पूरी आर्किटेक्चर यहाँ लकड़ी की है। और ये देखो भाई यहाँ पर ना ये वाले घर, ये है काफी साल पुराने लग रहे हैं जिस हिसाब से, है ना? अब तो सब पक्के पक्के मकान बना दिए लोगों ने, बट ये 3 मकान दिख रहे हैं बहुत पुराने, और ये मंदिर भी काफी पुराना मंदिर है। चलते अंदर, जूते वगैरह निकालते, दर्शन करते हैं। हाँ ये देखो भाई मंदिर में सॉक्स पहन के आए हैं ये दो लोग। और अभी हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर। ये देखो भाई लकड़ियों की सीढ़ी एकदम मस्त, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे भाई साहब। मंदिर तो बहुत सारे देखे हैं बट इतना सुंदर मंदिर आज ही देखा है। ये है महासु जी। हाँ यहाँ देखो यार भाई स्कल्पचर देखो भाई कितने प्यारे हैं, और ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है। पुराना होने के साथ साथ भाई कितना सुंदर मंदिर है, तुम देख सकते हो कैमरे में ना। कैसा रहा एक्सपीरियंस मंदिर का? अच्छा बस पंडित जी मिल जाए। इतना इतना थका 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 क्या है रिप्लाई कैसा लगा?
महासुजी टेम्पल है ना, ये है चलडेल महासुजी का। तो ये वाला मंदिर है चलडेल महासुजी महाराज का। बाकी के जहाँ हनौल गया था, हनौल में चारों महासुजी का था। क्या स्पेशली इनका है बिसोई में। तो ये है मंदिर, और यहाँ दो कक्ष हैं, एक में चलडेल महासुजी रहता है और एक में महासुजी रहते हैं। तो बाकी इन लोगों ने हलवा हलवा खा लिया है, ये आते गए और खाया इन लोगों ने। हम लोगों ने जरा मंदिर के बारे में पूछा, इन लोगों ने पहले पेट पूजा की। ये है तो शरीर देख के लग रहा होगा खुराक तो चाहिए। हम पतले आप कहा रहो। कौन सी लाइन में घुस गए।